The locus of the midpoint of the chord of contact of tangents drawn from point lying on the straight line 4x minus 5y is equal to 20 to the circle x square plus y square is equal to 9 is. तो सबसे पहले हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, है ना। तो अब सर्कल हमें एक रैंडम लाइन गिवन है जिसकी इक्वेशन है 4x minus 5y is equal to 20. इस लाइन की इक्वेशन है 4x minus 5y is equal to 20. ये सर्कल है, इसकी इक्वेशन क्या है, x square प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9. अब इसके किसी भी रैंडम पॉइंट से हम क्या कर रहे हैं, टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहे हैं. तो अब टेंजेंट्स क्या होंगी, जो दो टेंजेंट्स होंगी वो सर्कल को दो पॉइंट पे टच करेंगी. तो जिन दो पॉइंट पे टच करेंगी उन दोनों पॉइंट्स को हमने ज्वाइन करा तो ये सर्कल की कॉर्ड बन जाएगी. तो ये जो कॉर्ड बनेगी इसे हम बोलते हैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, और इसका मिड पॉइंट है एच कॉमा के. तो हमें इस एच कॉमा के का लोकस डिटरमाइन करना है ना. तो अब अगर हम देखेंगे कि लेट से हमारे पास में अगर कोई भी पॉइंट है ना, तो लेट से अगर इस ये पॉइंट तो h कॉमा k है, तो लेट से अगर इसका x कोऑर्डिनेट में बोलता हूँ a है किसी पॉइंट का इस लाइन के ऊपर, तो y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 4a माइनस 20 बाई 5. तो y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4a माइनस 20 बाई 5. ठीक हो गया, y कोऑर्डिनेट हो गया. ठीक है ना. अभी हम सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, लेट सी. अब किसी हमें पता है जैसे अगर कोई भी हमारे पास सर्कल के बाहर किसी पॉइंट से हम अगर कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ड्रॉ करते हैं तो उसकी इक्वेशन क्या होती है. जैसे अगर हमारे पास में कोई सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और अगर हम सर्कल के बाहर के किसी पॉइंट x1 कॉमा y1 से कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन डिटरमाइन करना चाहते हैं तो वो होती है इक्वल टू x1 प्लस वाई y1 is equal to a square. तो अगर हम देखेंगे इस केस में पॉइंट क्या है a, 4a minus 20 by 5 और सर्कल की इक्वेशन क्या है x square plus y square is equal to 9. तो इक्वेशन क्या जाएगी, यहाँ से इक्वेशन जाएगी a x plus 4a minus 20 by 5 4a minus 20 by 5 times y is equal to what, it is equal to 9. अब यहाँ से वैल्यू क्या जाएगी, वैल्यू जाएगी 5a x प्लस 4a y माइनस 20y इज इक्वल टू वॉट 45. 9 इंटू 5 इज 45. तो ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी सिंप्लीफाइड फॉर्म में. तो y का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे 4a माइनस 20. तो इसे हम और सिंप्लीफाई कर लेते हैं. तो 5a x प्लस 4a माइनस 20 टाइम्स ऑफ y इज इक्वल टू 45. सो लेट से दिस इज इक्वेशन 1. अब हमें क्या गिवन है, हमें लोकस बताना है किसका, मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का. तो अगर हमें h कॉमा के किसी भी सर्कल की कॉर्ड का मिड पॉइंट पता होता है तो उसका लोकस क्या होता है, तो उसका लोकस होता है, अगर हमें पता है कि h कॉमा के इज मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का हमें पता है ये मिड पॉइंट है. तो उसकी इक्वेशन होती है h x प्लस k y इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस k स्क्वायर. तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2. बट अगर हम देखेंगे तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 क्या है, सेम ही इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है. तो ऑब्वियसली क्या होगा, इनके जो कोएफिशिएंट होंगे वो क्या होंगे, सेम रेशियो में होंगे. तो मीन्स h अपॉन 5a, x कोएफिशिएंट का रेशियो h अपॉन 5a, ये किससे इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा इक्वल टू k अपॉन 4a माइनस 20 इज इक्वल टू वॉट h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर अपॉन 45 के इक्वल. नाउ यहाँ से अगर हम वैल्यूज देखेंगे तो क्या आ जाएंगी, यहाँ से हम a की वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं. तो a की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम पहली दो टर्म्स को, तो 4ah माइनस 20h इज इक्वल टू 5a के. तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई, a इज इक्वल टू 20h माइनस 4h माइनस 5 के, ये a की वैल्यू आ गई है. अब अगर हम इस a की वैल्यू को यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं इसमें सेकंड और थर्ड में, सेकंड और थर्ड से हमारे पास में रिलेशन क्या है, सेकंड और थर्ड के कंपैरिजन में हम फर्स्ट और थर्ड में पुट करते हैं, बिकॉज यहाँ पे ओनली a है और यहाँ पे 4a माइनस 20 है, दैट्स वाई. तो वैल्यू की जगह यहाँ से h अपॉन 5a की मीनिंग वैल्यू का जगह अगर हम देखेंगे तो जाएगा 100 एच और 4h माइनस 5k क्या जाएगा ऊपर आ जाएगा 4h माइनस 5k ओके। और ऑलरेडी क्या है थर्ड वाली इक्वेशन में क्या है h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर बाई 45। अब h से h कैंसिल आउट 5 से दोनों साइड डिवाइड करेंगे तो इस साइड आ जाएगा 20 और इस साइड रहेगा ओनली 9। अब 20 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इक्वेशन क्या जाएगी यहाँ से जाएगी इक्वेशन 20 टाइम्स ऑफ h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू वॉट 9 टाइम्स ऑफ 4h माइनस 5k। अब इसे सबको अगर लेफ्ट हैंड साइड में लूँगा तो इक्वेशन आएगी 20 टाइम्स ऑफ h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 36h प्लस 45k इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्या गया आंसर आ गया। तो h कॉमा k मतलब जो मिड पॉइंट का लोकस है वो क्या आया 20h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 36h प्लस 46k। अब h क्या है x कोऑर्डिनेट और k क्या है y कोऑर्डिनेट तो इसे x और y से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो 20x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 36x प्लस 45y इज इक्वल टू 0। दिस इज द फाइनल आंसर। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं तो 20x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 36x प्लस 45y। तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा, करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन